गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे जो कि रोमन नंबर है। चलो हम पहले रोमन नंबर थोड़ा देख लेते हैं, शायद आप लोग क्लास 4 में पढ़े होंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ओके चलो, देख रहे होंगे आप लोग ये रोमन नंबर से, यहाँ पे पेज नंबर आप लोग सब भी निकाल लेंगे 23। यहाँ आपका नंबर दिया हुआ है, 1 को हम लोग आई लिखते, सबको पता होगा, 5 को वी, 10 को एक्स, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी और 1000 को एम। इसी पे आपका पूरा मैथ्स है। और आप नीचे देखेंगे 1 से लेकर के 9 तक आपका यहाँ दिया हुआ है रोमन नंबर, फिर 10 से 90, 100 से 900, इसी के बीच आपका सारा सम्स बनेगा जो कि एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होगा। देखो आप, ये 1 से लेकर के आपका 10 तक का है। 50 को हम लोग एल लिखते हैं, 100 को सी, और ऐसे आपका बुक में दिया हुआ है। उसी तरह हम एक नंबर लेते हैं 45, इसको हम अलग करेंगे तो 40+5 हो जाएगा। 40 को आप लोगों को पता होगा हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो आप 40XL, तो ये 40 हुआ XL, और 5 को देखो V, 45, देन 99। 90 को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग अगर जोड़ के लिखते हैं तो 90 को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो आप 90XC, XC देन 9 है ये, तो 9 को 1X, ये 99। फिर एक नंबर लेते हैं 115, इसको हम लोग ऐड करके देखेंगे तो ये आ गया आपका 15 को 10+5, 100C, 10 को हम लोग लिखते हैं X और 5 को V, तो ये हो गया आपका 115। आगे देखो आप क्वेश्चन नंबर 1 का A, आपका है 213, तो 213 को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, है कि नहीं। अगर हम 200 को भी अगर तोड़ते हैं तो इस तरह से हो जाएगा आपका, तो 200, 100 का क्या हो गया C, 2C है यहाँ पे 200, फिर 10 को X, देन 3, ओके। F नंबर देखो आप, 1001 है, तो 1001 हम प्लस किए 1000 को M, अभी हमने पढ़ा 1000 को M और 1 को I, ये हो गया M और I, ये आपका 1001 हो गया। और J नंबर पढ़ते हैं 1385, तो इसको हमने अलग करके लिखा 1385। 1000 को क्या लिखेंगे एम, 300 को CCC, 80 को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, 80 को 50+ क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको 30 लिखेंगे, तो 50 का क्या होता है एल और 30 का CCC, देन 5 है आपका 5, ये आपका हो गया 1385। इसी तरह आप लोग बनाएंगे पूरा सम्स, इसको आप पहले ऐड करके दिखाएंगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाकी के क्वेश्चन 2 और 3 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही। ओके बाय।